एससीओ पूरे एशियाई क्षेत्र में शांति, समृद्धि और विकास के लिए एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म के रूप में उभरा है। इस क्षेत्र के साथ भारत के हजारों वर्ष पुराने सांस्कृतिक और पीपल टू पीपल संबंध हमारी साझा विरासत का जीवंत प्रमाण है। हम इस क्षेत्र को एक्सटेंडेड नेबरहुड ही नहीं, एक्सटेंडेड फैमिली की तरह देखते हैं। एक्सलेंसीज, एससीओ के अध्यक्ष के रूप में भारत ने हमारे बहुआयामी सहयोग को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए निरंतर प्रयास किए हैं। इन सभी प्रयासों को हमने दो मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित किया है। पहला, वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरा विश्व एक परिवार है। यह सिद्धांत प्राचीन समय से हमारे सामाजिक आचरण का अभिन्न अंग रहा है और आधुनिक समय में भी हमारे लिए एक नई प्रेरणा और ऊर्जा का स्रोत है। और दूसरा, सिक्योर यानी सिक्योरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कनेक्टिविटी, यूनिटी, रिस्पेक्ट फॉर सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, यह हमारी अध्यक्षता का थीम और हमारे एससीओ के विजन का प्रतिबिंब है। भारत ने इस दृष्टिकोण के साथ एससीओ में सहयोग के 5 नए स्तंभ बनाए हैं। स्टार्टअप्स एंड इनोवेशन, ट्रेडिशनल मेडिसिन, यूथ एम्पावरमेंट, डिजिटल इंक्लूजन तथा शेयर्ड बुद्धिस्ट हेरिटेज। एक्सलेंसीज, भारत ने एससीओ की अपनी अध्यक्षता के अंतर्गत 140 से अधिक कार्यक्रमों और सम्मेलनों और बैठकों की मेजबानी की। हमने एससीओ के सभी ऑब्जर्वर्स और डायलॉग पार्टनर्स को 14 विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल किया है। एससीओ की 14 मंत्री स्तर की बैठकों में हमने मिलकर कई महत्वपूर्ण दस्तावेज तैयार किए हैं। इनसे हम अपने सहयोग में नए और आधुनिक आयाम जोड़ रहे हैं, जैसे ऊर्जा क्षेत्र में इमर्जिंग फ्यूल्स पर सहयोग, ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में डी कार्बनाइजेशन और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में सहयोग, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में सहयोग। भारत का प्रयास रहा है कि एससीओ में सहयोग केवल सरकारों तक सीमित न रहे, लोगों के बीच संपर्क और गहरा करने के लिए भारत की अध्यक्षता में नई पहलें ली गई हैं। पहली बार एससीओ मिलेट फूड फेस्टिवल, फिल्म फेस्टिवल, एससीओ सूरजकुंड क्राफ्ट मेला, थिंक टैंक कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन शेयर्ड बुद्धिस्ट हेरिटेज का आयोजन किया गया। एससीओ की पहली पर्यटन एवं सांस्कृतिक राजधानी इटर्नल सिटी वाराणसी अलग अलग कार्यक्रमों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी। एससीओ देशों के युवाओं की ऊर्जा और प्रतिभा को सार्थक करने के लिए हमने यंग साइंटिस्ट कॉन्क्लेव, यंग ऑथर्स कॉन्क्लेव, यंग रेसिडेंट स्कॉलर्स प्रोग्राम, स्टार्टअप फोरम, यूथ काउंसिल जैसे नए फोरम्स का आयोजन किया।
एक्सलेंसीज, वर्तमान समय में वैश्विक स्थिति एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर है। विवादों, तनावों और महामारी से घिरे विश्व में फूड, फ्यूल और फर्टिलाइजर क्राइसिस सभी देशों के लिए एक बड़ी चुनौती है। हमें मिलकर यह विचार करना चाहिए कि क्या हम एक संगठन के रूप में हमारे लोगों की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने में समर्थ है, क्या हम आधुनिक चुनौतियों का सामना करने में सक्षम है, क्या SCO एक ऐसा संगठन बन रहा है जो भविष्य के लिए पूरी तरह से तैयार हो। इस विषय में भारत SCO में सुधार और आधुनिकीकरण के प्रस्ताव का समर्थन करता है। SCO के अंतर्गत भाषा संबंधी बाधाओं को हटाने के लिए हमें भारत के AI बेस्ड लैंग्वेज प्लेटफॉर्म भाषिणी को सभी के साथ साझा करने में खुशी होगी। यह डिजिटल टेक्नोलॉजी फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ का एक उदाहरण बन सकता है। UN सहित अन्य वैश्विक संस्थानों में भी सुधार के लिए SCO एक महत्वपूर्ण आवाज बन सकता है। मुझे खुशी है कि आज ईरान SCO परिवार में एक नए सदस्य के रूप में जुड़ने जा रहा है। इसके लिए मैं राष्ट्रपति रायसी और ईरान के लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही हम बेलारूस की SCO सदस्यता के लिए मेमोरेंडम ऑफ ऑब्लिगेशन पर हस्ताक्षर करने का स्वागत करते हैं। आज SCO से जुड़ने में अन्य देशों की रुचि इस ऑर्गेनाइजेशन के महत्व का प्रमाण है। इस प्रक्रिया में यह आवश्यक है कि SCO का मूल फोकस मध्य एशियाई देशों के हितों और आकांक्षाओं पर केंद्रित रहे। एक्सलेंसीज, आतंकवाद, क्षेत्रीय एवं वैश्विक शांति के लिए प्रमुख खतरा बना हुआ है। हम चुनौती से निपटने के लिए निर्णायक कार्रवाई आवश्यक है। आतंकवाद चाहे किसी भी रूप में हो, किसी भी अभिव्यक्ति में हो, हमें इसके विरुद्ध मिलकर लड़ाई करनी होगी। कुछ देश क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को अपनी नीतियों के इंस्ट्रूमेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं, आतंकवादियों को पनाह देते हैं। SCO को ऐसे देशों की आलोचना में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। ऐसे गंभीर विषय पर दोहरे मापदंड के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। टेरर फाइनेंसिंग के से निपटने के लिए हमें भी आपसी सहयोग बढ़ाना चाहिए। इसमें SCO के रेड्स मैकेनिज्म की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हमारे देशों के युवाओं के बीच रेडिकलाइजेशन के फैलावे को रोकने के लिए भी हमें और सक्रिय रूप से कदम उठाने चाहिए। रेडिकलाइजेशन के विषय में आज जारी की जा रही ज्वाइंट स्टेटमेंट हमारी साझा प्रतिबद्धता का प्रतीक है। एक्सलेंसी, अफगानिस्तान की स्थिति का हम सभी की सुरक्षा पर सीधा प्रभाव पड़ा है। अफगानिस्तान को लेकर भारत की चिंताएं और अपेक्षाएं SCO के अधिकांश देशों के समान है। हमें अफगानिस्तान के लोगों के कल्याण के लिए मिलकर प्रयास करने होंगे। अफगान नागरिकों को मानवीय सहायता, एक समावेशी सरकार का गठन, आतंकवाद और ड्रग तस्करी के विरुद्ध लड़ाई तथा महिलाओं, बच्चों और अल्पसंख्यकों के अधिकारों को सुनिश्चित करना हमारी साझा प्राथमिकताएं हैं।
भारत और अफगानिस्तान के लोगों के बीच सदियों पुराने मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं। पिछले दो दशकों में हमने अफगानिस्तान के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए योगदान दिया है। 2021 के घटनाक्रम के बाद भी हम मानवीय सहायता भेजते रहे हैं। यह आवश्यक है कि अफगानिस्तान की भूमि पड़ोसी देशों में अस्थिरता फैलाने या एक्सट्रीमिस्ट विचारधाराओं को प्रोत्साहित करने के लिए उपयोग न की जाए। एक्सलेंसी, किसी भी क्षेत्र की प्रगति के लिए मजबूत कनेक्टिविटी का होना बहुत ही आवश्यक है। बेहतर कनेक्टिविटी आपसी व्यापार ही नहीं, आपसी विश्वास भी बढ़ाती है। किंतु इन प्रयासों में एससीओ चार्टर के मूल सिद्धांतों, विशेष रूप से सदस्य देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना बहुत ही आवश्यक है। ईरान की एससीओ सदस्यता के बाद हम चाबहार पोर्ट के बेहतर उपयोग के लिए काम कर सकते हैं। मध्य एशिया के लैंडलॉक देशों के लिए इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर इंडियन ओशन तक पहुंचने का एक सुरक्षित और सुगम रास्ता बन सकता है। हमें इसका पूरा पोटेंशियल रियलाइज करना चाहिए। एक्सलेंसी, एससीओ विश्व के 40% लोगों और वैश्विक अर्थव्यवस्था के लगभग एक तिहाई का प्रतिनिधित्व करता है और इस कारण यह हमारी साझा जिम्मेदारी है कि हम एक दूसरे की जरूरतों और संवेदनशीलताओं को समझें। बेहतर सहयोग तथा समन्वय के माध्यम से सभी चुनौतियों का समाधान करें और हमारे लोगों के कल्याण के लिए निरंतर प्रयास करें। भारत की अध्यक्षता को सफल बनाने में आप सबसे हमें निरंतर सहयोग मिला, इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं एससीओ के अगले अध्यक्ष कजाकिस्तान के राष्ट्रपति और मेरे मित्र प्रेसिडेंट तोकायेव को पूरे भारत की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। एससीओ की सफलता के लिए भारत सभी के साथ मिलकर सक्रिय रूप से अपना योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध है। बहुत बहुत धन्यवाद।